तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं हमारे वर्ल्ड में माइनक्राफ्ट। तो माइनक्राफ्ट हम आज खेल रहे हैं फिर से। ये फिर से क्यों कहा मैंने, क्योंकि हम तो माइनक्राफ्ट ही खेलेंगे। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं इस वीडियो में आपको मेरा घर का टूर देने वाला हूँ। तो भाई साहब ये मेरा हेल्थ बार देख रहे हैं, सॉरी हंगर बार देख रहे हैं, जो मुझे कितनी भूख लगी है। तो क्या करें, मेरे पास खाना तो नहीं है। तो आज हम थोड़ी फार्मिंग करेंगे, और फार्मिंग तो आज होगी या नहीं देखेंगे, क्योंकि मेरा आज तो प्लान है फार्मिंग करूं। तो ये है मेरा आलीशान होम टूर जो मैं आपको देने वाला हूं। तो पहले स्टार्टिंग करते हैं हमारी ये वाली बालकनी, जहाँ पे मैंने ये जो काफ़ी फिगर रखे हैं जो काफ़ी सेक्सी लग रहे हैं, और ये लैंटर्न। तो ये क्या है मैं आपको बाद में बताऊँगा जब हमारा होम टूर हो जाएगा। तो हम ऐसे नहीं दिखेंगे, हम तो मेन डोर दिखेंगे। तो पहले मेन डोर ये हम अंदर जा रहे हैं, पहले दरवाज़ा बंद करेंगे वरना कोई भी आकर हमारे ऐसी तैसी कर देगा। तो ये मैंने इधर थोड़े लैब्स वगैरह लगा कर, फ्लावर पॉट लगा कर के अंदर ट्रीज लगाए हैं, काफ़ी सेक्स लग रहे हैं। और ये है हमारे मेहमानों के लिए चेयर, जहाँ पे ये सोफ़ा है, सोफ़ा। तो ये सोफे पर हम बैठकर हम आराम से चाय की चुस्कियाँ मार सकते हैं। तो ये हमारे सीढ़ियाँ जो ऊपर जाती हैं, तो इससे ऐसे फास्ट वाले जा सकते हैं। तो ये है हमारी दूसरी वाली बालकनी, जहाँ से हम बाहर जो ऐसे जो गधे वगैरह फिरते हैं उनको हम देख सकते हैं सुबह सुबह उठकर। तो इन गधों को देखने के लिए ये है, क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो ये मैंने इधर दो चीज़ों से डबल बेड रखा है, तो हम कहीं पे भी सो सकते हैं। और ये है मेरा किचन, तो ये है किचन जहाँ पे मैं खाना पकाऊँगा फर्नेस में डाल के। तो ये दो ब्लॉक का जगह मैंने खाली क्यों छोड़ा है, तो यहाँ मैं खाना पकाने के लिए स्मोकर रखने वाला हूँ। तो स्मोकर होता क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, तो इतनी जल्दी करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो ये है सबसे बेस्ट पार्ट ऑफ माय हाउस, तो ये सबसे बेहतरीन पार्ट है जो मेरे घर का। तो ये इतने सारे मैंने चेस्ट क्यों रखे हैं आपको पता है, इसके अंदर मैं अपना सामान सब रखूँगा जो अलग अलग करके रखूँगा। तो यहाँ पे वो आइटम फ्रेम करके भी आता है जो ऐसे होता है, तो मैं दिखाई देता हूँ आपको। ये बनाऊँगा नहीं क्योंकि मुझे बनाना नहीं है। तो आइटम फ्रेम किधर है, तो ये आइटम फ्रेम है, ये मैं लगा कर आपको दिखाऊँगा कि कैसे लगता है। तो चलिए हम नीचे जाते हैं, नहीं ऊपर से ही मैं बता सकता हूँ। तो सबसे पहले तो शायद रात नहीं हो रही इसलिए मैं नीचे ही चला जाता हूँ। तो मैं बाहर आ चुका हूँ। सबसे पहले ये जो लटकने वाली चीज़ें हैं, जो ये वाला है इसका जो लटक रहा है जिससे रोशनी मिल रही है, उसे लैंटर्न कहते हैं। जो इसे हिंदी में क्या कहते हैं ये मुझे भी नहीं पता, तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं। तो पहले मैं ये पिक्स को मार देता हूँ ताकि मुझे कुछ खाना मिल सके, क्योंकि मेरे पास कुछ भी खाना नहीं है भाई। तो जैसे मैं बाहर आया शाम हो गई, देखा भाई। तो ऐसे हो सकता है, ज़िंदगी ऐसी चल गई है हमारी, तो क्या कर सकते हैं। तो मैं भाग भी नहीं सकता क्योंकि इसको इस बंदे को इतनी भूख लगी है कि ये दौड़ भी नहीं सकता, बेकार। तो पहले मैं अपने आलीशान किचन में जाऊंगा, और इधर पे थोड़ा ये कोयला रख के, मैं आयरन क्यों रख रहा हूँ, तो इधर पे हमारा ना ये रखना है। तो मैं इधर पे भी सो जाता हूँ। तो ये क्या ड्रामा है, स्लीप ओनली नाइट, ये सो गया है बंदा। तो खाना भी उधर रेडी हो रहा है, तो मैं आराम से तसल्ली से आप सब बना सिखा सकता हूँ, क्योंकि अब कोई भी नहीं आएगा इधर से उनको मारने या हमसे लड़ने। हमने खा लिया है,
तो हमने खा लिया है, अब हम जाएंगे नीचे, मैं आपको सब बताऊंगा कि फ्लावर पॉट कैसे और ये लैंटर्न और ये वगैरह वगैरह कैसे बनते हैं। तो भाई साहब अब मेरी हेल्थ हो चुकी है फुल, तो आज के एपिसोड में तो हम फार्मिंग नहीं कर सकते, तो अगले एपिसोड में हम फार्मिंग करेंगे। तो ठीक, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपको दिख रही हैं, जो ये वाला जो लेजर बैनर जो है ये आपको दिख रहा है, ये मुझे एक बंदे से मार, कुछ बंदे आए थे घुस गए थे इधर, तो उनको मैंने मार दिया था इसलिए ये मुझे मिला है। तो इसको तो आप इग्नोर करेंगे, आपको मैं बाद में बताऊंगा कि कौन से बंदे आएंगे आए थे। तो जो रेड करते हैं वो आए थे इधर पे, तो बता दिया मैंने ऐसे में करता। तो आपको जो उधर लैंटर्न दिख रहे हैं वो लटके हुए, जो अब मैंने आपको दिखाया है जिससे हमको रोशनी मिल रही है, वो लटके हुए वो कैसे बनते हैं? तो सिंपली ऐसे बनते हैं। तो हमको इसके लिए आयरन की ज़रूरत है, तो आयरन को हमको कुछ इस तरीके से रखना होगा क्राफ्टिंग टेबल का। तो हमको ये वाले मिलेंगे, जो ये आयरन के जो नगेट्स हैं ये मिलेंगे, तो हमको ये थोड़े बना लेने हैं। तो अब हमको इसमें जाना है, तो हमको लैंटर्न कैसे बनाना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले बीच में आपको टॉर्च रखनी होगी, तो जो ये आयरन नगेट्स हैं इनको हमको चारों तरफ भर देना होगा। तो जैसे हम ऐसे भर देंगे तो हमको ये लैंटर्न मिलेगा, जिसको हम कहीं पर भी टांग सकते हैं। तो आपको तो फिर आप फ्लावर पॉट कैसे बनता है, तो फ्लावर पॉट बनाने के लिए हमको सिंपली ये ईंटे चाहिए। अब ईंटे कैसे बनती हैं चलो आपको दिखा देता हूँ। तो हमको चाहिए कोई नदी, तो नदी इस तरफ है, तो मैं इस तरफ कर देता हूँ। तो ईंटे कैसे बनती है, तो नदी में क्ले मिलता है, क्ले, तो क्ले अगर जिसको नहीं पता तो उसको हिंदी में हमारे इधर तो चिकनी मिट्टी कहते हैं। तो उस चिकनी मिट्टी मैंने लैंटर्न इधर लगा दिया, तो इसको हम हाथ से नहीं तोड़ सकते, तो इसको हमको एक डाली से तोड़ना पड़ेगा, इसको पिकैक्स कहते हैं इंग्लिश में। तो मैंने माइनक्राफ्ट में पहले बहुत खेलता था, इसलिए मुझे ज़्यादा ये माइनक्राफ्ट की जो चीज़ें ये हिंदी में बोलने की आदत नहीं है, क्योंकि वो हिंदी में बोले तो वो कुछ अलग लगता है, तो वो इंग्लिश में थोड़ा अच्छा लगता है बोलने। तो क्ले आपको कहाँ पर मिलेगा, तो आपको जो ये वाले ब्लॉक जो दिख रहे हैं ग्रे कलर के पानी के अंदर, तो हमको इसको तोड़ लेना है। तो मैं अब हाथ से तोड़ूँ, तो इसको देखो ये जो ग्रे वाला जो ब्लॉक दिख रहा है आपको, तो अगर आपको ब्लॉक समझ रहा नहीं है तो पानी के अंदर कुछ इस तरह का सा ब्लॉक दिखता है। अगर आपको भी ये ब्लॉक समझ में नहीं आ रहा है तो मैं स्क्रीन पर फोटो दिखा दूंगा, तो आपके स्क्रीन पर जो फोटो आ रही है वैसे आपको पानी के अंदर ब्लॉक मिलेगा। तो ये तो इधर पे काफ़ी सारे एनिमल्स हैं, तो मैं अपने घर पर कुछ इस तरह का ऐसा जो घास फूस है वो लगा दूंगा, ताकि वहाँ ढेर सारे एनिमल आ सकें जिनसे मुझे खाना मिल सकते। तो मैं वैसे भी फार्म बनाने वाला हूँ लेकिन वो अगले एपिसोड में, तो मैं आज वीडियो नहीं डालने वाला था, तो मैंने सोचा काफ़ी लेट हो जाएगी वीडियो और मुझे कल थोड़ा काम भी है, इसलिए मैंने आज ही वीडियो बना डाली। तो हमको जो क्ले, जो हमने क्ले निकाला है उनसे हमको ये मिलेगा जो क्ले, तो ये जो क्ले है उसको हमको फर्नेस में रखना होगा। तो फर्नेस में रखने से हमको ये मिलेगी ईंटें, जो ये रेड कलर की जो ईंटें होती है ना ये हमको मिलेगी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो ईंटें मिलेंगी तो इनको हमको ले लेना है, और पहले से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ईंटें को कुछ हमको इस तरह से रखना है, ढकेंगे तो हमको ये मिलेगा। तो ऐसे ही होता है भाई सिंपली, तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, तो बाकी सब तो मैंने आपको दिखा दिया है। तो अब हमको बनाना है वो स्मोकर। स्मोकर क्या चीज़ होती है, वो ये वाली चीज़ होती है जिससे हमको स्मोकर, तो ये वाली चीज़ से हम स्मोकर बना सकते हैं। तो स्मोकर बनाने के लिए हमको ये वाले स्ट्रिप्ड ओक लोग, तो मुझे ये बोलने आता है। तो ये कैसे मिलता है आपको,
जो अपने पास ये जो लकड़ियाँ होती है ना, लकड़ियाँ के जो ब्लॉक्स होते हैं उनको, या अगर समझ लिया आप, ये अपना ट्री है, ये अपना ट्री है। तो ये ट्री के ऊपर हमको जो पिकैक्स एक्स होती है, जो कुदाली जो क्या बोलते हैं उसको, तो एक्स जो होती है लकड़ियाँ काटने वाली, तो अगर हम इसको सिंगल टैप करेंगे तो जो उसके ऊपर को जो छाल होती है वो निकल जाती है, तो हमको इस तरह के ब्लॉक मिल जाते हैं। काफ़ी आसान है ये बनाना। तो स्मोकर का यूज़ क्या होता है मैं आपको बताऊँगा अभी, तो मुझे और चार चाहिए क्योंकि मैं दो स्मोकर बनाने वाला हूँ। तो ये क्या है, तो काम हो गया। स्मोकर बनाने के लिए हमको सिंपली फर्नेस बनाना पड़ेगा पहले, तो मुझे दो स्मोकर बनाने हैं इसलिए मैं दो फर्नेस बनाऊंगा। और हमको कुछ इस तरह से रखना पड़ेगा, तो हम क्राफ्टिंग टेबल में जाएंगे, बीच में फर्नेस रखेंगे और कुछ ये जो लकड़ियां हैं जो छिली हुई हैं वो कुछ इस तरह से रखना है। तो इस तरह से रखने के बाद हमको स्मोकर मिल जाएगा। तो स्मोकर का यूज़ क्या होता है मैं चलिए आपको मैं बता देता हूँ। तो ये न्यू अपडेट आया है, पहले तो ये सब चीज़ें नहीं थी। तो अभी दिन है, मुझे आपको और एक चीज़ बनाना सिखानी है जो कि है शील्ड। तो शील्ड मैंने ऑफलाइन ही बना दी थी, जो घर पे है मेरी शील्ड। तो मैंने इसलिए बनाई थी, इधर पे काफ़ी सारे स्केलेटन जो तीर वाले जो बंदे होते हैं वो आ गए थे, तो वो मुझे बहुत सता रहे थे और मार रहे थे हमेशा, तो इसलिए मैंने शील्ड बना लिया है। और थोड़ी मैं माइनिंग करने गया था आयरन के वास्ते, तो उधर पे स्केलेटन था जिसने मुझे मार दिया था, इसलिए मैंने शील्ड बना ली थी। तो शील्ड इस जो अगर कोई हमको जो तीर वगैरह जो मारेगा, तो तीर से हमको जो मारेगा, तो हम अगर ऐसे बीच के बटन दबा कर अगर हम ऐसे बैठ जाते हैं, तो बैठ गए तो वो शील्ड यूज़ कर सकते हैं हम। तो शील्ड का कुछ यूज़ ऐसे होता है, तो शील्ड बनती जैसे, तो हमको बीच में एक आयरन रखना होगा। तो हमारी जो लकड़ियाँ होती है, पहले मैं थोड़ी लकड़ियाँ बना लेता हूँ। तो हमको बीच में आयरन रखना होगा। तो आयरन रखने के बाद हमको कुछ इस तरीके के कुछ ऐसे कुछ रखना होगा, शायद ऐसे रखना होगा। तो मुझे आता है कैसे रखना था नहीं। तो हमको कुछ इस तरह से रखना है, तो मुझे आती नहीं है ऐसे बनाने, तो मुझे ज़्यादा आदत नहीं क्योंकि मैं क्राफ्टिंग टेबल से ही डायरेक्ट बना लेता हूँ। तो शील्ड तो मेरे पास है, तो हमको शील्ड ऐसे मिल जाएगी ऐसे रखने से। तो शील्ड को हम यूज़ कैसे करना है हमको, तो जो हमारा जो तीरी डॉट को हमको क्लिक करना है। तो हमको ये वाले जो ये भेस वाला जो आयरन है ना, आर्मर जो इधर पे है कपड़े वाला, तो इसमें जाना है हमको आर्मर में। तो यहाँ से हमको शील्ड इधर पे रख देनी है, तो हमारे हाथ दूसरे हाथ में शील्ड आ जाएगी। तो शील्ड यूज़ कैसे करनी है, जो अपना ये आगे पीछे जाने वाला जो कंट्रोल है ना, उसके बीच में जो बटन है उसका अगर हम क्लिक करेंगे तो हम बैठ जाएंगे। तो बैठ जाएंगे तो शील्ड अगर सामने, तो हम दूसरे हाथ से शील्ड पकड़ भी सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी हार्ड होता है, इसलिए दोनों हाथ से ये काम करें तो काफ़ी ईजी होता है। तो ऐसे कुछ मैंने आपको सब दिखा दिया कैसे कुछ बनता है। तो जाके पहले स्मोकर आता है। तो गाइस मेरा घर कैसे आपको लगा तो मुझे कमेंट करके बताना। तो आप लग रहा है ना ये पक्का वाले पे। तो इधर पे भी बालकनी है जहाँ पे भी मैंने ऐसे रखा है, तो मुझे इधर पे फ्लावर पॉट रखने हैं थोड़े। तो अगर हमको क्राफ्टिंग टेबल या फर्नेस पर अगर कुछ रखना है तो हमको सिंपली बैठ जाना पड़ेगा। तो बैठ जाने का बटन तो आपको मैं दिखा दिया हूँ, सिंपली बैठ जाएंगे तो हम कुछ ओपन नहीं कर सकते, इसलिए हम कुछ भी किधर भी रख सकते हैं। तो ऐसे रखना होगा, तो हमको इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं जैसे फूल वगैरह, तो हम ट्री भी रख सकते हैं। तो ट्री मैंने रख दिया है, शाम होने वाली तो मैं अंदर चला जाता हूँ। तो मैं 100 करोड़ जाता हूँ। तो गाइस आपको ये वाला भी रूम कैसे लगा मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अगर हमको
ऐसे रूम अगर हमको इन द फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़ेंगे तो हम ज़मीन के अंदर भी अंडरग्राउंड पे ऐसा बना लेंगे, तो बाद में तो सो रहा क्यों नहीं भाई ये बंदा, ये दिक्कत होती है, जल्दी सोता ही नहीं है ना, तो नाइट होनी चाहिए। तो ये सो गया है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, तो अगले एपिसोड में हम फार्मिंग करने वाले हैं, तो फार्मिंग करेंगे। और अब मेरा घर आपको अंदर से कैसे लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताना। तो मैंने आपको मैंने जितने भी चीज़ें बनाई थी ऑफलाइन में आपको सब मैंने दिखा दिए कैसे बनता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले न्यू गेमिंग एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।